वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों आप लोगों का एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है झारखंड पुलिस के सिलेबस को लेकर, तो आइए इस वीडियो में हम लोग झारखंड पुलिस के सिलेबस के बारे में देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि झारखंड पुलिस का कोई नया सिलेबस नहीं आया है। झारखंड पुलिस की जब वैकेंसी आएगी ना, उसी वैकेंसी में जो है सिलेबस लिखा रहता है। जो वैकेंसी नया वैकेंसी जो झारखंड पुलिस की आएगी उसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसी नोटिफिकेशन में जो सिलेबस जो है लिखा रहेगा कि इस पैटर्न पर इस जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी कोई नया सिलेबस नहीं आया है। जो भी आपको सिलेबस बता रहा है वो पुराने एग्जाम्स जो हुए हैं झारखंड पुलिस के उस पर आधारित जो सिलेबस है उसी को बता रहा है और लगभग लगभग उसी पैटर्न पर जो है सिलेबस बनते हैं। तो आइए दोस्तों उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या सिलेबस होगा झारखंड पुलिस का और क्या होता है झारखंड पुलिस का सिलेबस। तो दोस्तों झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसका दो पेपर होता है दोस्तों। पहला जो पेपर होता है उसमें कुल 120 क्वेश्चन होते हैं। झारखंड पुलिस का पहला पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका जीके यानी जनरल नॉलेज जो होगा वो 40 नंबर का होगा और झारखंड का जो सामान्य अध्ययन है, झारखंड का जो सामान्य ज्ञान है, झारखंड जीके वो 50 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। और विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से वो 20 नंबर होंगे और मैथ यानी गणित से 10 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है और एक पेपर होगा, उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों पेपर टू में दो खंडों में एग्ज़ाम होंगे यानी दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला जो पार्ट होगा वो हिंदी, उसमें हिंदी 40 नंबर का रहेगा और इंग्लिश जो है वो 20 नंबर का रहेगा। ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा दोस्तों, यानी इसमें सिर्फ आपको पास मार्क लाने हैं। पास मार्क कितना रहेगा वो जब नोटिफिकेशन आएगा उसी में लिखा रहता है कि पास करने के लिए आपको हो सकता है 33% लाने होंगे, 40% लाने होंगे, कितना लाना होगा वो नोटिफिकेशन में आपका लिखा रहेगा। लेकिन ये पेपर जो होगा खंड क का, इसमें जो है सिर्फ आपको पास ही करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरिट जो बनेगा वो आपका पहले पेपर और दूसरे पेपर के खंड क जो होगा, सॉरी खंड ख, इसमें से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो खंड ख में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें वो लैंग्वेज पर आधारित होगा यानी भाषा ज्ञान पर आधारित होगा। इसमें टोटल 15 लैंग्वेज होंगे, जैसे खोटा आपका संथाली वगैरह, ये जो है मतलब ऐसे करके पूरे झारखंड से क्षेत्रीय भाषा जो है जितना भी है उस पर जो है 15 लैंग्वेज होंगे और उसी पर जो है ये एग्ज़ाम होगा। वो 60 नंबर का होगा, इसमें आपका मेरिट बनेगा। ये जो मैंने आपको बताया पेपर टू का ये खंड ख जो भाषा पर आधारित पेपर है इस पर, और आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा यानी पेपर वन का जो एग्ज़ाम है ये जो 120 नंबर का मैंने आपको बताया, इन दोनों पर ही आपका मेरिट बनेगा। यानी इन दोनों पर आप लोग अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा यानी पास करने के लिए जो मेरिट बनेगा वो इन्हीं दो पेपर पर आधारित होगा। और जो आपको मैंने बताया पेपर टू का खंड क जो है ये सिर्फ, इसमें आपको सिर्फ पास करना है, इसमें आपको मेरिट, इसमें आपका मेरिट नहीं बनेगा, यानी सिर्फ इसमें आपको पास ही करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें दौड़ के बारे में बताया गया है, और जो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो है वो आप लोगों की अभी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन दोस्तों अभी जो नई नियोजन नीति आई है जिसमें जो आपको 60 और 40 यानी 60% जो क्षेत्रीय लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था की गई और 40% बाहरी, तो इसी पर बहुत सारे जगह पर आंदोलन चल रहे हैं। इसको ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व होगा इसके बाद जो है हो सकता है नया नियोजन नीति लागू हो, या फिर 1932 पर जो खातियान पर जो आधारित नीति लागू हुई थी हो सकता है उसी को दोबारा से लागू किया जाए। तो इस पर अभी कहा नहीं जा सकता, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होती है झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।